वेलकम बैक में मैं हूँ आपका अपना राजबाज आपके सामने KTM Duke 250 और इसकी जो मॉडिफिकेशन नीडफुल मॉडिफिकेशन जो इसमें की गई है सबसे पहले दिखाऊंगा आपको क्रैश गार्ड। देख सकते हो ये क्रैश गार्ड है स्लिम ट्रिम वाला, जिन लोगों को छोटा क्रैश गार्ड पसंद है अपना 2024 के वेरियंट के अंदर वो इसके अंदर हमने लगा चुके हैं। ड्यूल स्लाइडर के साथ है, बेशक दिखने में छोटा है बट काम करता है बहुत ही बड़ा, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमने लगाया ड्यूल स्लाइडर वाला प्रॉपर फिटिंग वाला, नो जुगाड़ नो अल्ट्रेशन, सिंपली फिटिंग देख लो, वन फिटिंग इधर, सेकेंड मिलती है इस तरफ, थर्ड मिलती है आपको इस तरफ और साथ में मिलता है आपको स्लाइडर्स जो आपके TPFC टैंक और आपके खुद के लैग ये करता है प्रोटेक्ट, और सेम इधर देख लो दोनों तरफ मिल जाएगा। और अगर जो आपको चाहिए इसमें लॉन्ग वाला तो इसमें लॉन्ग वाला भी मिल जाएगा हमारे पास क्रैश गार्ड, जैसे कि आपको पता है कि ये 2024 का वेरिएंट है, इसके अंदर हमारे पास दोनों ही मॉडल्स अवेलेबल्स हैं। अगर किसी को क्वारीज हो तो आप ले सकते हैं या फिर आ सकते हैं, विजिट करते हैं सकते हैं हमारी शॉप पर। और साथ में लगा देंगे इसके लीवर गार्ड जो कि मिलेंगे आपको ब्लैक और कार्बन की मैचिंग के साथ, जिससे इसके लीवर भी सेफ होते हैं साथ में भैया के हो जाएंगे, हैंड भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट करो किस तरीके से आती है लगने के बाद। साथ में इसमें लगा दिए गए हैं अपने वही सुपर बाइक वाले इसमें विंग्स मिरर जो कि एरोप्लेन मोड अभी फिलहाल के समय मैंने एक्टिवेट कर दिया, देख सकते हो आप ये एरोप्लेन मोड हो चुका है इसके अंदर। और इसे लगाने के बाद ना समझ लो उड़ने के लिए तैयार है, वैसे भी आपको पता है ड्यूक तो उड़ती है। और अगर जो आपको पीछे का व्यू चेकआउट करना हो तो देख सकते हैं, ये देखिए ये हो गया इसका व्यू के लिए, लुक चेक करो व्यू कितना अच्छा आता है इसके अंदर। नॉर्मल विंग्स मिरर आपने देखे होंगे जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर, बट मैं क्या करता हूँ कोशिश करता हूँ बेस्ट टू बेस्ट देने के लिए, जैसे कि मैंने इसके अंदर आपको दिखाया बोथ साइड मिलेगा आपको, देख सकते हैं लुक इनहेंस हो जाएगी इसमें लगने के बाद, साथ में व्यू भी इसके अंदर आएगा पूरा नज़र जो कि आपने देखा जिस तरीके से। साथ में आपको देखने में मिलेगा इसके अंदर बोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, लुक चेक कर लो किस तरीके से इसकी लुक आती है इसकी लगने के बाद। और इसमें ना कोई भी अपना महंगे से महंगा मोबाइल इसके अंदर होल्ड करके राइड कर सकते हो इजीली, GPS ऑन करने के बाद। लुक चेकआउट कर लिया आपने इसकी किस तरीके से आती है इसकी, और इसके बाद तो फॉगलैम भी इसके अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं मिनी ड्राइव जो कि आपको मिलते हैं कुछ इस तरीके से। रोशनी चेकआउट करता हूँ किस तरीके से आती है, चाबी ऑन करने के बाद देखिए ये आपका हो गया येलो, ये हो गया वाइट, येलो वाइट, ये आपका इसके मिलता है फोकस। और फिटमेंट चेक करो फिटमेंट किस तरीके से की गई है इसकी, जो कि सच बताऊँ मेरे को खुद ही नहीं पता कि कहाँ पर फिट है, इसलिए मैं कन्फ्यूज चल रहा था। और अब दिखा दो बैक साइड के अंदर रहिए, बैक साइड में लगा दी गई इसमें टेल टेडी जो कि आपको मिलता है इसमें प्रॉपर फिटिंग वाली टेल टेडी, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड कर दी गई है। देखने में लगे इसमें व्हील कवर जो कि देख सकते हो ये भी इसके अंदर लगा दिए गए हैं, और ये लगाए दिए गए इसके हाफ वाले, आप चाहो तो इसके अंदर फुल वाले भी लगा सकते हो। लुक चेक कर लो कैसी आती है लगने के बाद, सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, देख सकते हो आप, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर आकर मॉडिफिकेशन हुई कंप्लीट। अब बुलाता हूँ भैया को, जिन भैया की ये बाइक है उनको कैसा लगा, आइए सर। तो सर कैसे हैं आप ये बताइए, और बहुत बढ़िया, नहीं सारी आई मीन ऑलमोस्ट सारी मॉडिफिकेशन बहुत बढ़िया है। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं आया नोएडा से यहाँ पे, मतलब पहली सबसे पहली दुकान यही पड़ी, मैं घूमा तो बहुत कुछ लेकिन मुझे कहीं भी सारी चीज़ें कहीं कुछ मिला ही नहीं। लास्ट में आके मैं जाते जाते मुझे चौक पे दुकान दिख ली, मैंने कहा चल भाई एक बार यहाँ पे पूछ लेते हैं, तो मैं आया और जो भी कुछ मुझे चाहिए था मुझे सारी चीज़ें मिल गई। इवन ये होल्डर बहुत प्यारा है, आप देखोगे ना इसमें आप अपना फ़ोन रख के नॉर्मली आप इसमें सामने व्यू रिकॉर्ड कर सकते हो, और ये मैंने थोड़ा उसी हिसाब से फिटिंग करवाया है, क्योंकि पहले क्या लोग इसे जस्ट फॉर मैप के लिए यूज़ करते हैं, बट आप इसमें मोबाइल लगा के अपना रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, लाइक GoPro वगैरह अगर 4K कुछ भी नहीं है कोई इशू नहीं है, आप इसमें लग के वीडियो शूट कर सकते हो फ्रंट का। हमारे वैसे मना कर दे, वैसे मना कर, मैं मना कर रहा था बट इन्होंने कन्विंस कर लिया मेरे को, लगा दिया कन्विंस करा कि फिटमेंट इसकी जहाँ जन्म होती है, जैसे कि भैया कह रहे थे मुझे नीचे नीचे मुझे ऊपर नीचे, तो मैंने कहा भैया इसका हम एडजस्ट ऐसे जैसे आपको सुटेबल हो वो कराए थे, पहले काम करिए और करने का भैया करें आप, ओके अब कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी रही बात ये मिरर्स की, तो लोग स्टाइल की लगवाते हैं बट ये स्टाइलिस्ट भी हैं और इसमें आपको रियर व्यू भी आएगा, तो दोनों बढ़िया चीज़ें हैं, ये बहुत थोड़े वाइड हैं तो अच्छा है। आप जैसे ये स्टार्टिंग में कह रहे थोड़ा कन्फ्यूज थे कि भैया ये इसमें व्यू नहीं दिखेगा ये वो, तो फिर आपको जब लगा इसके अंदर था तो इन्होंने भैया ने सेट करके दिखाया इसमें प्रॉपर, तो वही है साथ में गारंटी भी देता हूँ इसके अंदर आने लग गया। नहीं मैंने कहा इसे लगवाइए पहले, लगना कोई व्यू नहीं है तो मैं तो उतार दूंगा, राइट बोला था, और लगने आप प्रॉपर सेटिस्फाई होकर जाओगे अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे लगवा रहे हो, तो अगर नहीं पसंद है तो निकलवा दो, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, चलिए आप परेशान करते रहेंगे, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। तो ये थे भैया जिनकी बाइक थी, इनका इनकी बाइक का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, आपको भी कराना है ऐसी कोई सी बाइक का काम तो आ सकते हो आपके अपनी शॉप राज भाई की शॉप पर। बाकी अगर कुछ क्वारीज वगैरह हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस लोकेशन कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डाला हुआ है, बाकी कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहता हो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827-217-14, वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहो तो मेरे से भी डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सअप करके कुछ भी क्वारीज को आप मंगा सकते हो अपने घर बैठे। और बाकी करना क्या पता ना,
चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।